We are joined by the third gold medalist of the day from the wrestling mat, Deepak Punia. Deepak, हम देख रहे थे आपके फाइट, लेकिन आप पर सबसे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि आप एक पाकिस्तानी रेसलर से फाइट कर रहे थे। देखो जी, मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लिया और बिल्कुल बिना प्रेशर के मैं मैच खेला और काफी जैसे जिस सोच से जिस टारगेट से हम आए थे वो अपना 100% दे के हमने अपना अचीव किया है। साइकोलॉजिकली कभी कभी लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच है इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10% भी हो ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ जी, देखो ये इस चीज का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, पर जो आज इतने देशवासी आए सपोर्ट करने के लिए तो मतलब इतने लोगों का जो दुआ प्यार था वो मेरे साथ था, तो मेरे को कोई प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। कि ये देख रहा था कि मैं इतने देशवासी मेरे साथ जुड़े हैं तो फिर मेरे को घबराने की कोई जरूरत नहीं। और क्राउड के रिस्पांस के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरा स्टेडियम लग रहा था आप ही के सपोर्ट के लिए आए हुए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे को कि पूरा का पूरा फुल स्टेडियम भरा था और इंडिया 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 इंडिया, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं। दीपक, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब बिल्कुल सन्नाटा रहता है, वो सन्नाटे से यहाँ पे इतने बड़े स्टेडियम, बड़े स्टेज पे आना, इतने क्राउड के सामने रेसल करना, कभी लगता है कि यू आर नर्वस, रैटल्ड? नहीं जी, देखो अभी मैं रेसलिंग बिल्कुल बचपन में स्टार्ट कर दी थी, तो पहले दंगल भी खेलते थे, तो दंगल में भी मतलब बहुत हजारों आदमी आते हैं और काफी कंपटीशन खेलते हैं, तो हर जगह हजारों आदमी देखते हैं, तो ये सब इतना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अपना ये था कि 100% देना मेरे को, तो मैंने दिया। और ये मेडल आपके लिए सबसे बड़ी मेडल है? हाँ जी, देखो ये गेम्स में मेरा, मैं पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स खेला हूँ, तो इसी में मैंने अपना 100% दिया और गोल्ड मेडल जीता। जी दीपक, एक आखिरी सवाल, टोक्यो से लेके अब तक का जो आपका सफर रहा है इसमें चैलेंजेस के बारे में हमें जरा बताइए और वो चैलेंजेस कैसे आप उभर पाए उनसे? देखो जी, आपने टोक्यो ओलंपिक की बात की है, अभी तो 5 अगस्त को ही मैंने अपना जो ओलंपिक गेम्स थे वो मैंने अपने ब्रॉन्ज मेडल चूक दिया था अपना 5 सेकंड में, लास्ट 5-6 सेकंड में। तो उसके बाद मेरे को जो वापस इंडिया गया, जो देश ने मेरे को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसका मतलब कुछ कहना नहीं चाहता मैं। मतलब इतना हौसला बढ़ाया उन्होंने, इतनी हिम्मत दी कि कोई नहीं बेटे, आगे और अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करता है। तो यही है कि जी, बड़ा सम्मान दिया देश ने, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मोमेंट दीपक, एंड कीप विनिंग अस मेडल्स। थैंक यू।